प्लांट है जो एक हर्ब है, इसको एक्चुअल में कैरम सीड बोल सकते हैं आप, कैरम सीड है ये। और ये मैं एक कटिंग से ग्रो करी है, आप देख सकते हैं अभी कितना अच्छा प्लांट बन गया ये। ये मैं एक छोटा सा एक कटिंग लेके आए थे और अभी मैं इसको देखिए ग्रो करी है, तो अभी ये बहुत अच्छे से ये खिल गया है। आज मैं आपको इसका प्रोपोगेशन बताऊंगी कि इसका क्या यूज है और इसका क्या आप कैसे प्रोपोगेशन इसको कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसका केयर के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको आप सनलाइट में रखिए, लेकिन जब तेज गर्मी हो तो उस टाइम थोड़ी सी इसको शेडी एरिया में रखिए। लेकिन अगर आप इसको अपने गार्डन में सॉइल में लगाएंगे तो उस टाइम आपके लिए इसको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें धूप भी होगा तो आप इसको प्रॉपर पानी देंगे तो उसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे तो इसको बहुत सनलाइट पसंद है, लेकिन आज मैं फ्रेंड्स आपको इसका प्रोपोगेशन के लिए बताऊंगी कि कैसे आप इसको कटिंग लगाएंगे। तो कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स पहले मैं थोड़ा सा ये डेटल लूंगी, क्योंकि हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई कटिंग करेंगे तो उसके लिए आप कोई भी जो चीज़ यूज़ करेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले डेटोल या कोई भी सैबलन ले सकते हैं, डेटोल ले सकते हैं, मतलब एल्कोहलिक जो चीज़ है उसको आपको लेना है। तो थोड़ा सा कॉटन में आप इसको लगा लीजिए ऐसे, फिर जिस चीज़ से आप कटिंग करेंगे, कोई आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो हम इसको पहले इसको अच्छे से इसको थोड़ा सा ये डेटल लगा लेंगे, उसके बाद हम इसका कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये जो इसका स्टेम देख रहे हैं, ये जो है आपको इसको यहाँ से कट करना है। और ये इसका प्रोपोगेशन इतना इजी है फ्रेंड कि आपको उसके लिए कोई भी देखिए कोई ना एंगल के हिसाब से या उसके हिसाब से काटने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे भी आप स्ट्रेट भी काट सकते हैं, लेकिन इसकी जैसे लंबे इसका जो स्टेम है ये थोड़ा सा होनी चाहिए, और इसके जो नीचे का ये बड़े वाले लीफ देख रहे हैं आपको इसको ऐसे तोड़ देना है। ये देखिए ऐसे हम एक और कटिंग ले लेते हैं इसका। हाँ फ्रेंड्स ये वाले स्टेम लेते हैं इसके, उसके लिए फ्रेंड्स ये जो है हम यहाँ से कट करते हैं इसको। ये देखिए अब हम उस प्लांट को थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। अब ये देखिए ये जो फ्रेंड्स है जो बड़े वाले लीफ है इसको आपको तोड़ना है ऐसे। फ्रेंड्स आप ये ऑरिगेनो के तरह यूज कर सकते हैं इसको। एक्चुअल में अजवाइन जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं पेट के लिए, जो एसिडिटी है छोटे बच्चों के भी कई बार पेट में दर्द होता है, तो उसमें भी जैसे आप अजवाइन यूज़ कर सकते हैं। इस पत्ते को आप थोड़ा सा कूट लीजिए तो उसमें जो भी उसका जो रस निकलता है वो पिला देंगे तो वो एसिडिटी की भी बहुत हेल्पफुल होती है और पेट दर्द में भी बहुत अच्छे इसका रिजल्ट मिलता है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, जैसे मैंने ये छोटे छोटे पॉट में थोड़ा सा सॉइल ले लिया है, आप नॉर्मल सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं या पॉटिंग सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये सैंडी सॉइल होना चाहिए ये देखिए, ताकि इसमें आप कोई पानी जम ना जाए तो इसका स्टेम गल सकता है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स ऐसे जो ये सॉइल देख रहे हैं सिर्फ इसमें ऐसे आपको बस लगा देनी है, आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे बस इसको आप थोड़ा सा ऐसे दबा के ऐसे ये देखिए। फ्रेंड्स हमने ये वाला लगा लिया, अभी इसमें भी हम ऐसे ही देखिए ये जो लंबी सी हमने जो स्टेम रखी है इसको आराम से आपको सॉइल में बस ऐसे करके लगा देना है ये देखिए। ये देखिए और इसमें से हल्का सा आप पानी छिड़का दीजिए, लेकिन इसको अभी आप डायरेक्ट आप सनलाइट में नहीं रखेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स ये रेनी सीजन में अच्छा ग्रो होता है और ये विंटर में भी होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा गर्मी में इसको प्रोपगेशन करेंगे तो उस टाइम इसके लिए बहुत ये हार्ड मतलब बहुत सॉफ्ट प्लांट है ये। इसकी लीफ भी आप देख सकते हैं बहुत वेलवेटी टाइप है,
अभी जैसे हमने ये इसको अच्छे से पानी डाल दिया है, तो इसको हम अभी थोड़ा सा शेडी एरिया में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखेंगे। तो इसी वजह से ये देखिए, नहीं तो फिर फ्रेंड्स ये ज़्यादा आप इसमें पानी डालेंगे तो इसका स्टेम गल जाएगा, ये देखिए। और इसका आप देख सकते हैं इसका जो लीफ है कितने अच्छे एकदम वेलवेटी टाइप है, और इसका लुक भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे प्लांट बड़े वाला देख लीजिए, ये इसका लीफ भी कितना अच्छा लगता है देखने में, और ये बहुत ही हेल्प होती है। जैसे आपके पेट में दर्द हो या कोई भी एसिडिटी या गैस की वजह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई करिए, इसको लगाइए, ताकि ये आप इसको खाने में भी, जैसे पास्ता वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आप इसके लीफ को छोटे छोटे बारीक काट के डाल सकते हैं, तो वो आपको ओरिगानो की तरह आपको इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है फ्रेंड्स। आप अपने घर के लिए लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके लीफ तोड़ के अगर आप सूखेंगे तो पूरा एकदम अजवाइन की, क्योंकि इसमें जब फ्लावर आती है तो उसमें एक्चुअल में फ्रेंड्स वो अजवाइन बनती है इसके फ्लावर से। तो फ्रेंड्स आज ये मेरी वीडियो थी, आप लोगों को थोड़ा सा अजवाइन के बारे में बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कीजिए।